शुक्रवार को प्रदेश के पशुधन दुग्ध विकास एवं प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह, शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी, विकास मंत्री संजय गंगवार ने कलेक्ट्रेट स्थित कोविड इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम IGRS कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया, जिसके संबंध में प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि सजगता जागरूकता दोनों के माध्यम से ही यहाँ के अधिकारियों द्वारा कार्य किया जा रहा है तथा जिलाधिकारी CMO सहित कई अधिकारी टीम स्पिरिट से काम कर रहे हैं और कोविड सामना करने के लिए टीम स्पिरिट से ही लड़ाई लड़ी गई है और लड़ाई लड़ी जा रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाए हैं उनको भी कंट्रोल रूम से फोन के माध्यम से सूचना दी जा रही है कि कोरोना वैक्सीन लगाने से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, ADM City विनीत कुमार सिंह, ADM Finance राजेश कुमार सिंह, CRO सुशील गौर, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, CMO आशुतोष दुबे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पशुपालन एवं दुग्ध विकास तथा प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा, सर एक नंबर हमारे पास 42 फोन लाइन्स हैं सर, करीब हमारे पास 40 सीट्स हैं और 50 कर्मचारी काम करते हैं इस वक्त। सर हम यहाँ पर जो है बेसिकली जो है कोविड कंट्रोल से हम यहाँ पे सर जो है जिनको वैक्सीनेशन है जिनकी सेकंड डोज नहीं लगी है सर उन्हीं को कॉल करा रहे हैं, उन्हीं का काम कर रहे हैं। हम सर उधर से हमारी सीट्स हैं सर, मास्क बना लीजिए थोड़ी देर के लिए हमारे लिए। पुराने हमारे बीमारी दूर रहेगी, ये मैं सामने तो कोविन पोर्टल है, कोविन पोर्टल पर देवी है जी, इसको डोज लग गई नहीं है उसको आप सूचना देंगे सर? सब लोगों को पता है, सबके पास मैसेज जाता है, यहाँ से फोन भी कराते हैं, लेकिन लोग जब कोविड सर नहीं रहता है तो जनरली लोग लगवाने नहीं आते। तो आगे पहले सर यहाँ पे पहले सर यहाँ से कॉन्टेक्ट मैडम, जो लोग पॉजिटिव आ जाते थे तो उनसे फोन करके उनसे ये पूछा जाता था कि आप किसके संपर्क में आए थे, तो वहाँ से सर हमारी गारंटी दी जाती है। लेकिन सर जब कंट्रोल हो गया तो सर ने आदेश ये किया कि यहाँ से जो है, चूँकि हमारे पास जो है करीब सर 3 लाख लोग ड्यू हैं जिनको वैक्सीन लगानी है, लेकिन वो लोग इंस्पाइट ऑफ ऑल एफर्ट्स को आ नहीं रहे हैं, तो सर ने का एक ये कोविन पोर्टल से लिस्ट निकाल ली जाती है डेली और इनको दे दिया जाता है कि ये लोग डेली करीब 2000 लोगों से नहीं आया है सर। वहाँ पे हमारा रिवांस सेंटर है, यहाँ पे फोन आता है बेटर की बात आगे चले। ऑक्सीजन कहाँ उपलब्ध कराते हो? ऑक्सीजन सर जो है हमारे जहाँ पर हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल जो बना रखे हैं वहाँ पे ये सर जैसे यहाँ पर है। कहाँ से आई है? बढ़लगंज से है, गोरखपुर से है सर, वैक्सीन संबंधी जानकारी लेने के लिए। बूस्टर डोज लगवाना? कोविड का तो नहीं है, कोविड का नहीं सर, कोविड का सर मॉर्निंग में 8 से 2 हम लोगों की ड्यूटी होती है, फिर 2 से 8 होती है, फिर 8 से मॉर्निंग 8 होती है सुबह जी सर। जो कंप्लेंट आता है उसको हम लोग शिकायतों को निकाल करके और संबंधित को भेजते हैं, फिर उसके बाद जो रिपोर्ट आती है उसको हम लोग यहाँ से चेक भी कराते हैं और यहाँ से सर उस शिकायतकर्ता से फोन से वो भी लेते हैं फीडबैक, उसका समाधान हुआ कि नहीं, अगर उसकी कोई कमी रहती है तो हम लोग यहीं से उसको वापस कर देते हैं या फाइनली जब वो शिकायत को पूरा उसका समाधान हो जाता है तब हम लोग उसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। ये भी माना है इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का हम लोगों ने निरीक्षण किया है और इस निरीक्षण से ये पता लगा सजगता और जागरूकता दोनों ही हैं
यहाँ CMO के द्वारा हमारे EDM प्रशासन और जिलाधिकारी सारे सब मिलकर एक टीम स्पिरिट से काम कर रहे हैं और इसमें कोविड का सामना करने के लिए टीम स्पिरिट से ही इससे लड़ा जाए इसकी लड़ाई लड़ी भी गई है और आगे भी कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी दो मंत्रियों के साथ अपने साथ टीम स्पिरिट से मैं आया हूँ। मेरे साथ माने गुलाब देवी जी जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री स्वतंत्र प्रभार है, माने संजय सिंह गंगवार जो गन्ना राज मंत्री हैं, तो हम लोग टीम स्पिरिट से काम कर रहे हैं। देखिए अभी CMO ने अवगत कराया जो कोरोना वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं उनको यहाँ से टेलीफोन के माध्यम से सूचना कराई जा रही है और उनको अवेयर किया जा रहा है कि वैक्सीन लगवाने में कोई नुकसान नहीं है, इसलिए वैक्सीन लगवाओ और वो वैक्सीन लगवाएंगे। धन्यवाद।